बाल दिवस के मौके पर कस्बा के आदर्श कामनी शिक्षा निकेतन गर्ल्स इंटर कॉलेज में हुए जादुई शो में जादूगरों ने अपनी कला से समा बांध दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि विदेशी स्वीडन से आई इरीना और प्रधानाचार्य पूर्णिमा कौशिक ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद आकाश जादूगर की ओर से हैरत अंगेज मुँह से धागे में पिरोकर कई दर्जन ब्लेड निकालना, लड़की को बिना सपोर्ट के हवा में रखना, कागज से नोट बनाना जैसे जादू दिखाकर जमकर तालियां बटोरी। दिल्ली से आए जादूगर जीत ने जादुई कला से अलग अलग बॉक्स से सामान निकाला, हाथों से रुपए बनाना जैसे कार्यक्रम दिखाए। बाल जादूगर दक्ष तिवारी ने फूल बनाना, रस्सी बनाना आदि कर्तव्य दिखाए। गर्ल्स कॉलेज में हुए इस कार्यक्रम की अध्यक्षता गजेंद्र गोस्वामी ने की, संचालन राम अचल मौर्य ने किया। इन सबका प्रधानाचार्य पूर्णिमा कौशिक ने आभार जताया। इस मौके पर प्रबंधक दिलीप शर्मा, नूतन शर्मा, मधुसूदन कौशिक, बाल किशन शास्त्री, पूनम तिवारी, कमलेश वर्मा, पुलकित कौशिक, योगेश शुक्ला आदि तमाम लोग मौजूद रहे। पेशे से मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन मैजिक दिखाना मेरा एक शौक है जिसको मैं करीब 28 साल से इस लाइन में हूँ। मैजिक जादू की खाद की सफाई है, लोगों का तंत्र मंत्र ऐसा कुछ नहीं है। लोग समझते हैं कि जादू से ऐसा हो जाता होगा, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ खाद की सफाई है। लोगों का भ्रम दूर करने के लिए हम लोग इस तरह काफ़ी हम बहुत कुछ दिखाते हैं कि बाबा जी साधु महात्मा करते हैं, भाई हम ये कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने जो कुछ भी मंच पर दिखाया सिर्फ ये लोगों का आंखों का धोखा था, हमारे हाथ की सफाई। इसके लिए हमको बहुत बड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, साधना करनी पड़ती है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमको कुछ सिद्धि करनी पड़ती हो, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों के भी चाहे बाल दिवस है, क्या कहना चाहोगे? नहीं, बच्चों को तो हमारी शुभकामनाएं, और इस विद्यालय से मेरा बहुत पुराना रिश्ता रहा है। बाल दिवस के मौके पर हमेशा ये दिलीप जी मुझे याद करते रहते हैं, मैं आता रहता हूँ। और अब जो आया हमारे दिल्ली से जादूगर जीत जी आए हुए हैं, इनको मैंने स्पेशली बुलाया हुआ। ये तमन्ना थी कि मैं इस विद्यालय में गोवर्धन में कुछ अलग से मैं कुछ करके आऊँ। हम दोनों जादूगरों ने एक साथ, पहली बार ऐसा चांस पड़ा है हम दोनों जादूगरों ने एक साथ स्टेज पर। Yeah.